बागपत यमुना में 13 डूबे। एनडीआरएफ मौके पर। बागपत यमुना में एक बार फिर बड़ा हादसा हो गया है। हरियाणा से नाव में सवार होकर आ रहे 13 लोग अचानक से यमुना में डूब गए। इनमें कई महिलाएं भी बताई जा रही हैं। बागपत के पुराना कस्बे के पास खादर इलाके में अचानक से गहराई में आते ही नाव डूबती चली गई और चीख पुकार मच गई। कुछ लोगों ने चीख पुकार सुनी तो शोर मचा दिया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। गोताखोर और एनडीआरएफ की टीम मौके पर है और एक युवती का शव भी निकाल लिया गया है। बाकी लोगों की तलाश की जा रही है। डीएम शकुंतला गौतम और एसपी बागपत प्रताप गोपेंद्र यादव भी मौके पर पहुंच गए हैं। मौके पर सैकड़ों लोगों की भीड़ जमा है। रात होने की वजह से राहत और बचाव के कार्यों में दिक्कत आ रही है। ये कोई पहला मामला नहीं है, बल्कि इससे पहले भी कई बार नाव हादसे हो चुके हैं और कई लोगों की जान जा चुकी है। जिन लोगों के परिवार के सदस्य इस नाव हादसे में डूबे हैं, उनका रो रो कर बुरा हाल है। कच्चा घाटी से बोलते हैं बागपत में। इसमें नाव डूबने हरियाणा की तरफ से बागपत के जो देशराज मोहल्ला है, लोग बताए गए कि उसके आ रहे थे और जो नाव चालक था वो हरियाणा साइड का बताया जा रहा, राई थाने का। तो इसमें जो कृष्णा है, बचके जो निकली हैं, उनके वहाँ जो है अपनी टीम को भेजा है तो उन्होंने बताया है कि राजेश और मोनिका जो है जन्नत, ये लापता भी उन्होंने बताए हैं कि ये बैठे थे, ये लापता हैं। और एक जो है एक की बालिका है, वो लगभग 16-17 साल की, उसकी डेड बॉडी की पुष्टि हुई है। बाकी जो है यहाँ पर जो है 7 गोताखोर लगा दिए गए हैं, और भी गोताखोर बुलाए जा रहे हैं। जाल डलवा दिया गया है और एनडीआरएफ के कमांडेंट से मेरी बात हो गई है। वो एनडीआरएफ की टीम वहाँ से भेज रहे हैं, चल चुकी बताया उन्होंने। और पूरी पुलिस प्रशासन सभी यहाँ पर साथ सभी हैं यहाँ पर, और जो है सीएमओ और पूरी एम्बुलेंस जो है हमारी यहाँ पर हैं सभी की। मैडम, अभी इनके पूरा कुल मिला कितने लोग थे? अभी जो है एग्जैक्ट स्थिति नहीं बता पा रहे हैं, क्योंकि जो कृष्णा मिली भी है वो अभी बिल्कुल सही स्थिति नहीं बता पा रही कि कितने लोग हैं। ये जो तीन लोगों के नाम बताए हैं, एक ही तो डेड बॉडी मिल गई है और 3 लोग उसने लापता बताए हैं, ये बताया है। जो पता चल रहा है तो उसमें वहाँ स्टाफ को भेज रहे हैं ताकि दूसरे से भी सही स्थिति पता चल सके। सबसे पहले कितने लोग बचाए गए थे? जो 5-6 लोग बता सकते, वो सबसे पहले कितने निकले गए? वो जो है जो बताए गए हैं कि 5-6 लोग निकल गए हैं। ये बताया गया कि जैसे नाव पलटी वो तुरंत ही जो लोग आसपास यहाँ थे, लोग आसपास काम करते हैं, तो उन्होंने ही निकाल के तुरंत बचा लिए हैं। तो एग्जैक्ट कितने लोग हैं, जो हमारे नाविक भी थे वो भी सही स्थिति अभी नहीं बता पा रहे हैं कि इतने लोग लेके। नहीं, कृष्णा है उनसे अभी बात हुई, लगभग 60 वर्ष की हैं। तो एसएसआई को वहाँ भेजा गया, उन्होंने क्या बताया लगभग कितने लोग थे? तो उन्होंने ये बताया कि अभी 3 लोगों का बताया कि 3 लोग तो लापता है जी। तो बाकी अभी गोताखोर जो है टीम पूरी हमारी लगी है। तो कुल मिलाकर 800 लोग थे नाव में, एग्जैक्ट वो नहीं बता पा रही है, जो महिला है वो एग्जैक्ट नहीं बता पा रही है। उसमें किसी पुरुष का पता चला है तो उसके घर अभी टीम भेजी गई है, वो कौन लोग थे, लोग जो क्या करने गए थे? नहीं, ये अभी एग्जैक्ट नहीं पता चल पा रहा है कि क्या गए थे। बताते हैं उधर की तरफ भी कुछ खेत हैं, उसमें कुछ काम करने गए, एक ये बताया जा रहा है, काम करके अपने वापस लौट रहे थे, ये बताया गया है। लेकिन अभी पुष्टि तो जो उस नाव में सवार थे उससे जब सीधी बात हो जाएगी तभी आपको बिल्कुल एग्जैक्ट स्थिति पता चल पाएगी। कितने लोगों की मौत अब तक हो चुकी है? एक की पुष्टि हुई। अच्छा, नाव का यहाँ पर क्या ठेका छोड़ा गया था, क्या किस तरीके की कोई सुविधा थी यहाँ पर? नहीं, यहाँ तो कोई नाव का ठेका नहीं छोड़ा गया।